फ्रेंड्स हाउ आर यू, आई होप यू आर फाइन टुडे। तो देखिए, मैंने आपको पहले वीडियो बनाई थी तो मैंने आपको स्नायु दिखाया था और आपको उपास्थि दिखाई थी और अस्थि दिखाई थी। तो इस वीडियो में हम आपको से जो बात करने वाले हैं तो वो मैंने बताया आपका जो है सघन और नियमित जो संयोजी ऊतक होते हैं, आपका एक तो नियमित वाला था एक अनियमित था। नियमित जो पाया जाता है वो आपका कंडरा और स्नायु, और जो अनियमित वाला था वो जो पाया जाता है आपका नाम है जो है त्वचा में। तो अभी जो है हमारी जो कंडरा जो होती है वो आपका कंकाली पेशी को आपका जो अस्थि से जोड़ती है, हड्डी से जोड़ती है। तो कंडरा क्या होती है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, जो हमने जो आपका जो एक कंडरा का जो आपका जो दे रखा है हमने प्रैक्टिकल में जो पीस है कंडरा का, तो देखिए ये जो हमारा कंडरा ये यहाँ से आज तक आप देख रहे हैं ये आपका कंडरा है। तो ये कंडरा जो होती है ये जो है आपका कंकाली पेशी को हड्डी से जो जोड़ना काम करती है। और देखिए जो आप ये ऊपर देख रहे हैं यहाँ से तक ये जो आपकी क्या नाम है कंकाली पेशी है, तो ये आपका है। और दूसरा आपका स्नायु, मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि स्नायु जो होता है वो क्या करता है आपका एक पेशी से जो आप सॉरी एक आपकी उपास्थि जो जो आपकी अस्थि होती है उसको दूसरी अस्थि से जोड़ने का काम करती है। तो स्नायु भी आपके कई प्रकार के थे, तो फिलहाल वो दूसरा टॉपिक है वो। तो हमारा जो फिलहाल आपका टॉपिक है कंडरा का, तो कंडरा जो है वो आपकी जो कंकाली पेशी है कंकाली पेशी को जो है आपका अस्थि से जोड़ती है। तो ये देख रहे हो आपको डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है इसमें जो कि जो प्रैक्टिकली आपके पास एक कंडरा का जो है पीस है, तो उसमें क्या है कि इसमें देखिए आपकी कितनी लेयर है, इसमें ये कई लेयर आपकी दिख रही है। तो कई लेयर आपकी है तो देखिए इसमें ये बीच में जो लेयर दिखाई दे रही है देखो इस तरीके से, इसमें ये कई लेयर से मिलकर बना है, दो तीन लेयर इसके अंदर। और इसमें जो आपका डायग्राम है इसके अंदर जो है जो तंतु है इनको तंतु वगैरह कहते हैं, इस तरीके से कई तरीके से जो बन के मिलती है और ये जो आपका जोड़ती है। और इसी में से जो इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी है, जो ब्लड वेसल्स है मतलब जिसमें जो रक्त जो आपका जो हड्डी में रक्त बनता है वो कंडरा से होकर ही आपका क्या नाम है जो कंकाली पेशी में जाता है। तो इस तरीके से आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है। यदि आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे।